जब भी हम देश में मेट्रो की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को याद आता है दिल्ली शहर, लेकिन अब दूसरे कई बड़े और साथ ही छोटे शहरों को भी मिल रहा है मेट्रो का तोहफा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे बात मुंबई मेट्रो की। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहां लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं, चाहे वो बेस्ट बस सर्विस हो, लोकल रेलवे सर्विस हो, मेट्रो या मोनोरेल हो। किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की भीड़ आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। मुंबई के निवासियों को अल्टरनेट कनेक्टिविटी देने और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर कैपेसिटी को कम करने के इरादे से मुंबई मेट्रो की योजना बनाई गई और साल 2006 में पहले फेज की आधारशिला रखी गई। वहीं साल 2014 में मुंबई मेट्रो की लाइन 1 को शुरू किया गया। साल 2022 में गुड़ी पड़वा के अवसर पर पहले फेज की लाइन्स मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का शुभारम्भ किया गया। यहाँ सर्विसेज में इस देरी के लिए ऑपरेशनल और पॉलिसी इश्यूज को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चलिए मुंबई मेट्रो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसके किराए के बारे में। मुंबई मेट्रो का किराया मेट्रो लाइन के जरिए कवर किए गए किलोमीटर की दूरी के आधार पर तय किया जाता है। पहले फेज के मेट्रो रूट 2A और 7 में न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 40 रुपये है। अब जानिए मुंबई मेट्रो की टाइमिंग्स के बारे में। पीक आवर्स के दौरान मेट्रो रूट 1 सुबह 6:30 बजे से रात 11:25 बजे तक 4:30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट होता है, जिसे नॉन पीक आवर्स के दौरान 10 मिनट तक बढ़ाया जाता है। मेट्रो 2A और 7 का फेज 1 सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे के बीच 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट होता है। अब आगे आपको बताते हैं मुंबई मेट्रो नेटवर्क और कॉरिडोर्स के बारे में। वैसे शुरुआत में 14 मेट्रो रूट्स को मुंबई मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में इसमें 2 लाइंस और जोड़ दी गई। अब हम आपको मुंबई मेट्रो के जरिए कवर किए जाने वाले अलग अलग रूट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहली बात मुंबई मेट्रो लाइन 1 के बारे में। मेट्रो लाइन 1 को ब्लू लाइन के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई मेट्रो लाइन 1 11 किलोमीटर लंबी पूरी तरह से एलिवेटेड ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है, जो कि वर्सोवा को अंधेरी के जरिए घाटकोपर से जोड़ती है। ये मुंबई मेट्रो रूट पश्चिमी उपनगरों के खास क्षेत्रों को केंद्रीय उपनगरों से जोड़ता है, जिससे ये मुंबई में सबसे लोकप्रिय ट्रांजिट मीडियम्स में से एक है। इस रूट के स्टेशन्स में वर्सोवा, डीएन नगर, आजाद नगर, अंधेरी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चकला एयरपोर्ट रोड, मरोल नाका, साकी नाका, असल्फा, जागृति नगर और घाटकोपर शामिल हैं। अब बात मुंबई मेट्रो लाइन 2 के बारे में। इसे येलो लाइन के रूप में भी जाना जाता है। ये 42 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट है, जिसे 2 सेक्शंस 2A और 2B में बांटा गया है। मुंबई मेट्रो 2A लाइन 18 किलोमीटर लंबी है और इसमें 17 स्टेशन्स हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अप्रैल 2022 में दहिसर से डीएन नगर के बीच 2A के पहले फेज को चालू किया गया। वहीं इस साल अक्टूबर 2022 में 2A के दूसरे फेज के चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जब बात मुंबई मेट्रो 2B की आती है तो ये सेक्शन डीएन नगर BKC मान खुद्र को जोड़ेगा, जो कि 23.5 किलोमीटर लंबा है। अब आगे बात मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में। एक्वा लाइन या कहें मुंबई मेट्रो लाइन 3, ये 33.5 किलोमीटर लंबी पूरी तरह से अंडरग्राउंड और दक्षिण मुंबई में कफ परेड और उत्तरी मुंबई में सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और आरे के बीच की दूरी को कवर करती है। एक्वा लाइन में 26 अंडरग्राउंड मुंबई मेट्रो स्टेशंस और 1 ग्रेड स्टेशन होगा। ये मुंबई मेट्रो रूट मुंबई एयरपोर्ट से भी गुजरेगा, जो कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देगा। इस रूट का मरोल नाका में मेट्रो लाइन 1, BKC में मेट्रो लाइन 2B और सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मेट्रो लाइन 6 के साथ इंटरचेंज होगा। अब बात मुंबई मेट्रो लाइन 4 की। मुंबई मेट्रो लाइन 4 को ग्रीन लाइन के रूप में भी जाना जाता है और ये मेट्रो लाइन ठाणे में कासरावादावली को साउथ सेंट्रल मुंबई में वडाला से जोड़ेगी। ये मुंबई मेट्रो रूट जहां मुंबई और ठाणे के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, वहीं लोकल ट्रेन नेटवर्क को कम भी करेगा। अब मुंबई मेट्रो लाइन 5 की बात।
ऑरेंज लाइन के नाम से मशहूर 24 किलोमीटर लंबा ये ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो 5 कॉरिडोर पूरी तरह से एलिवेटेड होगा, जिसमें 17 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें मजे की बात पता है क्या है, ये इवेंचुअली वडाला ठाणे कासर वादावली की मेट्रो 4 लाइन और तलोजा और कल्याण के बीच मेट्रो 11 कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। चलिए अब बताते हैं आपको मुंबई मेट्रो लाइन 6 के बारे में। पिंक लाइन या मुंबई मेट्रो 6 रूट 13 स्टेशन के साथ 14.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर है और ये पश्चिमी उपनगरों को पूर्वी उपनगरों से जोड़ेगा। पहले से चल रही वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर सेक्शन के बाद ये दूसरा वेस्ट ईस्ट मेट्रो कॉरिडोर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और मुंबई मेट्रो लाइन 7 के बारे में आपको बताते हैं। इसे रेड लाइन के रूप में जाना जाता है। मुंबई मेट्रो लाइन 7 33.5 किलोमीटर लंबा रूट है जो कि दहिसर के साथ अंधेरी और आगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा। इस रूट के 29 स्टेशन में से 14 एलिवेटेड होंगे और बाकी मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। यहां आपको बता दें कि दहानुकरवाड़ी और आरे के बीच मुंबई मेट्रो लाइन 7 का पहला फेज अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। अब बताते हैं आपको मुंबई मेट्रो लाइन 8 के बारे में। गोल्ड लाइन या कहें मुंबई मेट्रो लाइन 8 मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच प्रस्तावित मुंबई मेट्रो रूट है। ये मेट्रो रूट 32 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें करीब 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। अब बात मुंबई मेट्रो लाइन 9 के बारे में। मुंबई मेट्रो लाइन 9 लाइन 7 और मेट्रो 2A का एक तरह से विस्तार है। इसका एक्सटेंशन अंधेरी से CSMIA और दहिसर से मीरा रोड तक किया जाएगा। मेट्रो लाइन 9 के बारे में सबसे खास बात पता है क्या होगी, इसमें डबल डेकर ब्रिज होगा जिसे स्पेशली डिजाइन किया जाएगा। जहां पहले डेक पर फ्लाईओवर होगा वहीं दूसरे डेक पर मुंबई मेट्रो लाइन 9 होगी। 11.386 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन में 10 स्टेशन होंगे। अब आगे बात मुंबई मेट्रो रूट लाइन 10 और 11 के बारे में। मुंबई मेट्रो लाइन 10 और 11 मुंबई मेट्रो लाइन 4 का एक तरह से विस्तार है। इसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। ये लाइंस गायमुख को शिवाजी चौक मीरा रोड यानी कि और वडाला को CSMT से जोड़ेगी। अब बात मुंबई मेट्रो लाइन 12 के बारे में। ये मुंबई मेट्रो रूट मुंबई मेट्रो लाइन 5 के विस्तार के रूप में प्लान किया गया है जो कि कल्याण को तलोजा से जोड़ेगा। मुंबई मेट्रो रूट लाइन 13 की बात पर्पल लाइन के रूप में जाने जाने वाली ये प्रस्तावित 23 किलोमीटर लंबी मुंबई मेट्रो लाइन मीरा रोड को विरार से जोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात मुंबई मेट्रो रूट लाइन 14 की। इसे मजेंटा लाइन के रूप में जाना जाता है। ये एक अप्रूव्ड मुंबई मेट्रो रूट है जो कि विक्रोली के साथ कांजूर मार्ग और आगे अंबरनाथ बदलापुर से जुड़ेगा। इस मजेंटा लाइन का लाइन 6 पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज होगा। अब आखिर में एक और बेहद ही खास मेट्रो यानी नवी मुंबई मेट्रो के बारे में आपको बताते हैं। मुंबई मेट्रो रूट्स में एडिशन करते हुए नवी मुंबई मेट्रो की शुरुआत भी हो रही है जो जल्द ही 11 मेट्रो स्टेशन्स के साथ 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में बेलापुर से पेंडार तक लाइन 1 पर चलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों तो अब कभी आप मुंबई घूमने जाएं तो यहाँ मेट्रो में घूमना मत भूलिएगा। यहाँ ढेर सारे मेट्रो रूट्स आपके सफर को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों आज के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.